नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा के साथ। आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ माने जाने वाली विधानसभा सीट। हम बात कर रहे हैं झालरापाटन विधानसभा सीट। झालरापाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजनीतिक गढ़ है। 25 नवंबर 2023 को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां अब तक राजे को भाजपा की तरफ से नजरअंदाज किया गया है, तो राजे ने अपने राजनीतिक गढ़ से चुनावी ताल ठोक दी है और अपनी जीत का डंका बजा दिया है। पिछले 20 सालों से इस विधानसभा सीट पर राजे का ही राज है। अभी तक यहां से राजे का राज कोई खत्म नहीं कर पाया। ये 20 सालों का राज ही राजे को महारानी का दर्जा देता है, क्योंकि इतने सालों तक राज या तो एक राजा कर सकता है या फिर एक महारानी। राजे के सामने किसी भी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ टिक नहीं पाया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ रामलाल चौहान राजे के सामने विपक्षी उम्मीदवार है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजनीतिक कर रही हैं, तभी से जिले की सियासत उनके आसपास घूम रही है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस प्रभावशाली भाजपा के सामने यहाँ टिक नहीं पा रही। यहाँ के 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में दिग्गज कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह को 34,000 मतों के भारी अंतर से हराकर राजे ने यहाँ जीत दर्ज की थी। राजस्थान में झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले महारानी वसुंधरा राजे का नाम सामने आता है। सन 1989 में झालावाड़ जिले में उनका सूरज उदय हुआ जो आज तक अस्त नहीं हुआ है। वह खुद भी झालावाड़ 12 से 5 बार सांसद रह चुकी है। उसके बाद 2003 से वसुंधरा झालरापाटन से लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और जीतती आ रही है। वर्तमान में राजे यहां से विधायक है। यह कह सकते हैं कि महारानी वसुंधरा राजे के गढ़ को भेदना कांग्रेस ही नहीं किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि सन 1989 से महारानी वसुंधरा राजे ने जब से झालावाड़ जिले की सीमा में कदम रखा है उसके बाद से अभी तक उन्हें कोई हिला नहीं सका। कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया लेकिन वह हमेशा असफल रही। वसुंधरा राजे ने 2003 के चुनाव में सचिन पायलट की मां रमा पायलट, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थी, उन्हें 27,000 वोटों से हराया था। उसके बाद वसुंधरा राजे ने 2008 में स्थानीय पूर्व विधायक मोहनलाल राठौड़ को 34,000 वोटों से यहां हराया था। फिर 2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंदावत को 7,000 वोटों से हराया था। अब बात करें झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहां 2,97,000 के आसपास मतदाता है। झालरापाटन विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और यहाँ ब्राह्मण, महाजन, दांगी, मेघवाल, सिंधिया, राजपूत, गुजर, धाकड़, पाटीदार जातियों के भी वोट मायने रखते हैं। अब बात करें बीजेपी की उम्मीदवार वसुंधरा राजे की, तो वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। वे वर्तमान में भाजपा की उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने 1989 में पहली बार झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद रही। 2003 से लगातार 4th बार झालरापाटन से वे विधायक है। वहीं अब बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल चौहान की, वो साल 2005 से 2010 तक पिंडावा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। वे झालावाड़ से पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में पीसीसी के सदस्य हैं। झालरापाटन विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। इस बार झालरापाटन विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।